अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है, इनके मंत्रिमंडल के साथी, इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में, अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है, यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूँ आपके साथ हाथ। मुझे आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या और मारपीट के मामले को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी और तमाम नेता नीतीश कुमार से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहारी मजदूरों को सुरक्षित कब वापस लाया जाएगा। इसी क्रम में आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बड़े ही आसानी से पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि उन्होंने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है वहां के अधिकारियों से बात करके इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री इस बात पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? अगर मैं वहां के मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकता हूं, तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे बात क्यों नहीं कर सकते? इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर बात मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की होती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे राज्यों के नेताओं से बड़े आसानी से बात कर लेते, लेकिन इस बारे में आखिर कहाँ है वो? तो एक बार आप खुद सुनिए कि और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। तस्वीरें, वीडियोस और जानकारी सामने आ रही है, अगर ये परिस्थिति तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है, या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में, अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथी, इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और दो कदम आगे बढ़कर बोलते हैं, दो घंटे नहीं लगे उनको, दो घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस? जाँच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग? किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई जांच दल भेजे, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वहां के मुख्यमंत्री के से संपर्क साधे, इतने हल्के में इस विषय को लिया जा रहा है। और चलिए अगर ये भ्रामक भी है भाई, इन्हीं लोगों की मैं बात मान लेता हूँ, संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बयान दिया है ना कि भ्रामक बातें, अगर ये भ्रामक भी है तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए
जो भारतीयों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उन शरारती तत्वों के ऊपर, इनको ये लोग शरारती कह रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं भैया, जो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, जो भारत की एकता अखंडता के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? जो बिहारियों और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको कौन चिन्हित करेगा भैया? उन पर कौन जांच करेगा? तो कारण जो भी हो भैया, ये भ्रामक है तो भी उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। आप शांति से नहीं बैठ सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर इनमें से कोई एक तस्वीर वीडियो भी सही है तो इतिहास मुख्यमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में तो ये बिहारियों को जीने नहीं देते, बिहार में ये लाठियां चलाते हैं, और इन्हीं की वजह से ये बिहारी दूसरे प्रदेश गए ना भैया। क्यों गए हैं बिहारी तमिलनाडु? शौक से गया क्या कोई बिहारी? वहां पर जाकर मजदूरी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से बिहारी दूसरे प्रदेश में गया, और वहां पर जा रहे हैं, वहां पे भी उनको मारा जा रहा है। तो बताइए भैया, बिहारी करे क्या? कहीं तो सम्मान से जिएगा। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहाँ की सरकारें नहीं जीने देती। यहाँ संशय की कोई बात नहीं है। जो मजदूर वहाँ से आ रहे हैं वो व्यथा बता रहे हैं, कह रहे हैं मारा जा रहा है, हम भागे नहीं है, भगाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। यादव कह रहे हैं कि व्याकुल नहीं होना है, जो नेता विरोधी दल को उन्होंने कहा है। वहाँ की पुलिस भी मारती है चिरागी, लोग जो आ रहे हैं कह रहे पुलिस भी मिली हुई है। भाई हमारे खुद के पास फोन आ रहे हैं, जिस दिन ये लोग बयान दे रहे हैं ना कि भ्रामक खबरें, मैंने अपने पत्र में भी ये लिखा, जो मैंने ना सिर्फ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लिखा बल्कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी, मैंने उनसे भी मैंने आग्रह किया भैया, क्योंकि बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री पर विश्वास करती नहीं है, तो कम से कम केंद्र सरकार मदद करे। मुझे रोज़ फोन आ रहे हैं भैया कि हम लोग 50 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग 25 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग को मारा जा रहा है, खाने के लिए नहीं है, बाहर निकलने से हम लोग डर रहे हैं। और ये लोग बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया भ्रामक बातें हैं, जो लोग आ रहे हैं अपनी व्यथा बता रहे हैं उनसे सुनिए भैया। और ये लोग भ्रामक भ्रामक सोशल मीडिया पे ऐसे ही शरारती तत्व, शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, अब कमेटी बनाई है, पहले निर्देशित कर रहे थे और उसके बाद निर्देशित करने के बाद अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी, और अब इनको याद आ रहा है कि भैया हम कमेटी बनाए। क्यों सर्वदलीय कमेटी को नहीं भेजा जा रहा वहां पर? अपनी राजनीति ये लोग चमका रहे हैं। इनके मंत्रियों के पास समय वहां के मुख्यमंत्री का जाके बर्थडे का केक कटवाने का, ये समय नहीं है कि वहाँ पे रह रहे बिहारियों से ये लोग जाके मुलाकात कर लें। भाई जो भी हो, जो भी दोषी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री जी इसमें तत्परता दिखाएं। भैया आज तो सरकार में आप भी हैं ना, दुर्भाग्य की बात है ये कि एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके पास दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए फुर्सत ही नहीं है। वो वहाँ पे जिए या मरे, घटनाएं सामने आई है लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। पंजाब की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो लगातार हमले हुए हैं। कब तक बिहारियों के ऊपर इस तरह की घटनाएं? भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बिहारियों के स्वाभिमान से ये खिलवाड़ करते, इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करें। कहाँ जाएंगे भैया बिहारी, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, या मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया सबको? जितने अहंकार में मुख्यमंत्री है ना, और इनकी पूरी सरकार है, इनको लग रहा है कि भैया कोई जिए मरे, जोर तोड़ के आंकड़े हम लोग के पास हैं। यही कारण है कि आज ये तीसरे नंबर की पार्टी बने, और वो दिन दूर नहीं जब जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान नहीं बचेगा, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने साफ साफ नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा है कि आखिर आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे बात क्यों नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के कैबिनेट में सहयोगी, सरकार में सहयोगी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां जाकर केक खाते हैं और यह कहते हैं कि यह पूरा वीडियो फेक है, तो इस पर भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द इंडिया टॉप। धन्यवाद।